अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद अली और आज मेरे साथ मेरी बड़ीज़ है। ड्राइविंग सीट पे मौजूद है रिजवान मलक, पीछे बैठा है गुलशन बाचा और साथ में हमारा बट्टी साहब। तो आज हम एक दोस्त के पास जा रहे हैं और रियाज में ही है, तो रियाज में आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं रियाज की, हमारे साथ रहिएगा। प्लान तो हमारा फेल हो गया क्योंकि हम जिस दोस्त के पास जा रहे थे, जब उसको कॉल किया तो कहते हैं कि भाई आज मसला बना हुआ है और मैं हूँ ड्यूटी पर। तो अभी हम बाहर तो हम निकले हैं, उसके पास तो जा नहीं सकते, तो सोचा कुछ ये कि चलो पांडा चले जाते और कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी का शॉपिंग कर लेते और आपको भी साथ ले जाते, तो हमारे साथ रहिए। हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से मास्क पहन के बाहर निकलना है क्योंकि भाई 1000 रियाल मुखालिफ आए और मलक साहब को मुखालिफ एक बार हुआ भी है, अभी तक पे नहीं किया। मलक साहब सबसे पहले तो तवक्कल ना ठिकाना लाजमी है ताकि तवक्कल ना क्लियर हो जाए। मलक साहब को प्याज पसंद नहीं आ रहा है, हम क्या करें? प्याज दो किस्म के हैं, एक है भाई यमनी प्याज और एक है मसी प्याज। तो अभी मलक साहब को ये डिसाइड नहीं कर सका कि मैं प्याज कौन सा ले लूँ, यमनी ले लूँ या मसी। एक किलो 15.5 रियाल का हिसाब आप लगा देंगे, 42 रियाल का 42 रुपये। सब ने कर लिया शॉपिंग लेकिन बट्टी साहब के पीछे अभी सब लगे हुए। बट्टी साहब जो है ना टस से मस नहीं हो रहा, बट्टी साहब कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो फ्री में भी मिले। बट्टी साहब कहते हैं मैंने लेना नहीं है, मैं आया नहीं हूँ शॉपिंग के लिए। बट्टी साहब कुछ तो ले लेना। नहीं कुछ तो नहीं चाहिए, कुछ तो ले ले यार, अभी नहीं चाहिए। बट्टी साहब को आखिरकार कुछ ना कुछ याद आ गया, अब कहते हैं कि मुझे लजीजा खीर चाहिए और लजीजा खीर ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं कि बट्टी साहब जो है ना ये अपने से तोड़ेगा या नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि लजीजा खीर कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन अब बट्टी साहब की किस्मत ऐसी है कि उसने जेब पे ताले लगाए हुए हैं, तो अब वो मिलते नहीं है बिल्कुल। लजीजा खीर है नहीं अभी पूरे पांडा में। कोशिश तो हमारी जारी है कि लजीजा खीर कहीं ना किसी न किसी तरीके से मिल जाए। शॉपिंग के लिए आया मैं था और शॉपिंग किया किसने ये आप देख ले। शॉपिंग किया पूरा हमारे मलक साहब ने, मलक साहब बादशाह आदमी है। ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो फराहम करें। अगर वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।